एक बार एक नगर के राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी। पूरे राज में खुशी का माहौल सा छा गया। सारे लोग खुशी से फूले ना समा रहे थे। कोई कह रहा था मैं तो सोने के कलश पे हाथ लगाऊंगा, किसी को घोड़े का शौक था तो वो बोल रहा था घोड़े को हाथ लगाऊंगा। इसी तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि सुबह वो किस किस चीज को सबसे पहले हाथ लगाएंगे। सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने राज दरबार में स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीजों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आके उनकी पसंदीदा चीजों को हाथ ना लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब सा हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा ये सब देख रहा था और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था कि अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकल कर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और इतने में वो बच्चा राजा के नजदीक आया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज उसकी हो गई। दोस्तों, इस तरह जैसे राजा जनता को मौका दिया, वैसे ही हमारा ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है कुछ पाने का। लेकिन हम नादान हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीजों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला, किसी को पैसा तो किसी को शान और शौकत। रोजाना भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की ही चीजें मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वो भगवान की चीजें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज आपकी ही हो जाएगी। तो फिर क्यों मूर्खों की तरह दिन रात उनकी बनाई चीजों को पाने में अपना कीमती समय गंवाते हो? उस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर उसकी हर चीज आपकी हो जाएगी। दोस्तों, कहानियां हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये कहानी भी आपको एक अच्छी सीख देगी।